दोस्तों इस वीडियो मैच जो कवर करने वाले कैमरून और लेस्टर का जो कि कुछ ही देर मैच स्टार्ट हो जाएगा और देखोगे तो उसी टाइप का CWC का वनडे मैच, तो मैं सोचा इस मैच को भी कवर करते हैं, लेकिन फिलहाल हम इससे जो फोकस करते हैं 3 घंटे में 2 मैचेस कवर करते हैं बहुत ही, उसके बाद दूसरा मैच जो है ना CWC का वो भी मुझे कवर करना है, तो मैं सोचा सारे मैचेस कवर करने हैं। तो फाइन टीम के फटाफट से टेली हम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको भी पता है ऐसे मैचेस की फाइनल टीम आपको कोई नहीं देगा और हम लोग सालों से दे रहे, तो फाइन टीम आपको मिलेगा ही। टेलीग्राम चाहे जरूर से ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक हैंड परसेंट काम करता है। तो टेलीग्राम चाहे जरूर से ज्वाइन करें, लिंक हैंड परसेंट काम करता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा टेलीग्राम चाहे ज्वाइन करने में। तो टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन करना, कहाँ से करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से करना है और कमेंट बॉक्स लिंक भी नहीं, लिंक हैंड परसेंट काम करता है, जहाँ पे फाइनल टीम विनिंग टीम आपको सबसे पहले शेयर कर देते हैं, वो भी किसी से तगड़ी और अच्छी टीम आपको मिलता है, इतना याद रखिएगा। तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें, देखो सबसे बेस्ट मेथड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है, पहले वाले लिंक पे क्लिक करोगे और टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, फिर ज्वाइन दबा के ज्वाइन करोगे फटाफट से, ज़्यादा लंबी वीडियो शूट नहीं करना चाहते दोस्तों, 5-7 मिनट वीडियो खत्म हो जाए अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। तो चलो इंपॉर्टेंट जो है वो सब हम फटाफट से कवर करते हैं। ये मैच भी ना सेम विकेट पे खेला जाएगा जहाँ पे लास्ट मैच के लिए खेला गया था, इस मैच का मैं बता देता हूँ टेलीग्राम पे कौन सा मैच मैंने कवर किया था, ये घाना और ये नहीं था तांजनिया का, सेम वही विकेट पे ये मैच खेला जाएगा, सेम विकेट की यूज़ किया जाएगा, सेम विकेट, तो पिच रिपोर्ट भी वही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा पहले पिच रिपोर्ट बता दो, उसके बाद लाइनअप बता दो, फटाफट से टीम क्रिएट करेंगे, क्योंकि 3 घंटे में 3 मैचेस कवर करने। अगर हम देखेंगे सबसे पहले देख लेते हैं इंजरी अपडेट, कोई ऐसा नहीं है इंजरी न्यूज़ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, वेदर क्लियर मौसम है, ऐसा कोई बारिश का चांस नहीं है, मेरे हिसाब से कैमरून की टीम जीतेगी, कैमरून की टीम फेवरेट भी है। पिच कंडीशन की हम बात करें तो बैलेंस विकेट है, हर कोई जानते हैं विकेट थोड़ा सा बैलेंस है, लेकिन अगर हम उससे पूछोगे तो थोड़ा सा मतलब बैटिंग को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है बॉलिंग, बैलेंस ही समझ के चलते चलो ठीक है, बैलेंस विकेट है, वही लास्ट विकेट वाला मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो वही बैलेंस के हिसाब से 144 एकदम परफेक्ट बैट रहा है, मतलब 144 इस विकेट का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में। पिच रिपोर्ट की हम बात करें तो ये जो विकेट है एक बैलेंस विकेट है, पहले बता चुका हूँ, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत इस विकेट पे मिडिल ओवर में, यानी कि मिडिल ओवर जैसे 10 ओवर हो जाएंगे उसके बाद हो सकते स्पिनर्स का थोड़ा सा बोल वाला रहे, तो स्पिनर्स को भी कवर के चलना मिडिल में, समझिए ना, चेसिंग भी इस विकेट पे हो जाता है, 144 रन बनता है वो भी चेस हो जाता है, बैलेंस विकेट है, थोड़ा बहुत स्पिनर्स को टर्न मिल जाता है इस विकेट पे। उसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले कैमरून के लिए जो कि फेवरेट टीम रहेगी, इदरीस जो कि हर को जानता है ओपनर है टीम से अच्छा प्लेयर, एलेक्स बल्ला जो कि टीम 10 से वो कैप्टनसी करेंगे, एच किंगा अवेलेबल टीम 10 से, सुपर अवेलेबल है, उसके लिए सनी एटसन अवेलेबल टीम 10 से, उसके लिए रोजर जो कि अच्छा प्लेयर टीम 10 से रोजर, उसके अलावा टीम 10 से दीपिता अवेलेबल है टीम 10 से, अब्दुल अवेलेबल है, एलिन टॉबी अवेलेबल है, जुलिन अवेलेबल है, उसके अलावा देखोगे वी वन यून अवेलेबल टीम से, वन वी अवेलेबल है ठीक है। अगर कैमरून का लाइनअप देखोगे तो लेस्टर के हम देखेंगे तो जन्नत सॉरी यहाँ पे जयंत विजय कुमार जो कि अवेलेबल है टीम के कैप्टन, मर्ज खान के साथ ओपनिंग करेंगे, मोहम्मद मर्ज खान एक ऐसा प्लेयर जो कि हर को जाता है पिक तो करना ही अपने को भी, उसके अलावा वसीम याकूब जो कि एक तगड़ा प्लेयर टीम दो से मोरे, उसके अलावा देखोगे मोलिकी लियोर जो कि अवेलेबल इस मैच के लिए, लोबाना जो कि इस मैच के लिए अवेलेबल है, चालो भी अवेलेबल टीम दो से, चचोलो के अलावा एस पटेल अवेलेबल है, वी मजोर अवेलेबल है, मुफ्ती अवेलेबल है, टेस्को अवेलेबल है इस मैच के लिए, मुलाई अवेलेबल है ठीक ही लाइनअप से, एच उमर बेंच पे रहने वाले इस बार। एंड फटाफट से बात करते प्ले बाय एनालिसिस से, अगर मैं पहले देखता ना ये भी मैच है CWC का जो कि मुझे बहुत परफेक्ट लग रहा है, इसको मैं जरूर से मतलब कि पहले वीडियो शूट करता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अभी भी 3 घंटे है, फटाफट से पहले इसकी टीम आपको प्रीव्यू दे देता हूँ, उसके बाद इसकी भी दूंगा और इसकी दूंगा दूसरी वीडियोस में दूंगा, अभी इसे फोकस करते हैं। बहुत से लोग कंजूसी करते हैं सब्सक्राइब करने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कंजूसी मत करना, प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जैसे ना मुझे पैसे नहीं मिलते बट इसके एक मोटिवेशन मिलता है कि बंदे ने सब्सक्राइब किया था मेरा फर्स्ट बंदा विन करा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा ना, आज तक कभी मांगाया हूँ, कितने 5 साल से ऊपर हो चुके यूट्यूब पे, 8 साल से आपके साथ खेल रहा हूँ, आज तक कभी भी पैसे नहीं मांगा हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बात करें विकेट कीपर से, मेरा टीम थोड़ा सा लॉजिकली होता है, थोड़ा रिस्की लगेगा, लेकिन जरूर से आपका हेल्प करेगा टीम क्रिएट करने में। एट ओवर टीम 10 से अवेलेबल है टीम 10 से पिक कर सकते हो, उसके अलावा ये सब कोई खास है भी नहीं, एस पटेल एक अवेलेबल हो सकते हैं, सेकेंड सबसे अच्छी विकेट कीपर आप कह सकते हो अपने लिस्ट में, अगर सेकंड पिक करना पड़ा तो पिक कर लेंगे। अभी के लिए टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि टीम से ठीक प्लेयर है विकेट कीपिंग, मर्ज खान कैप्टन से तो किया है बट उतना मतलब टेक्निकली ठीक ही प्लेयर पिक करके चलते हैं, लिस्ट का ठीक प्लेयर है क्या डीपी लगा रखा है एक, उसके अलावा टीम 10 से बंदा ओपनर है इदरीस पिक करके चल सकते हो, क्योंकि बंदा सामने कमजोर टीम है, एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके आपको दे सकता है। उसके अलावा जयंत विजय कुमार अवेलेबल जो कि भी एक अच्छा पिक है लिस्टों का, आप चाहो तो पिक कर सकते हो, गहली टीम है, 2 ही पिक है चलते फिलहाल के लिए। उसके अलावा वी तो बाय डिफॉल्ट पिक है बॉलिंग भी और साथ ही ओपनिंग भी, याकूब
पहली बार तो बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी की जबरदस्त बेहतरीन पिक है। पता नहीं बहुत लोग इनको सीबीसी करेंगे, लेकिन बॉलिंग खतरनाक करता बंदा है ना, बॉलिंग हर मैच करता है बंदा अच्छा खासा वो भी। बट जरूरी नहीं कि ये आपको ना 20 ओवर से ज़्यादा पॉइंट्स आपको दे के दे, ठीक नहीं, बंदा आपको बैटिंग भी करके देगा और बॉलिंग भी करेगा, इतना याद रखिएगा। उसके अलावा एच ओमर बेंच पर रहेगा, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। उसके अलावा लोकी लोकी यहाँ पे अवेलेबल टीम दस है। उसके अलावा रोजर अच्छे रहेगी टीम दस, अच्छे फॉर्म में चल रहा है, ये भी अवेलेबल है आई थिंक, जहाँ तक मिपती ना अवेलेबल है टीम से पिक कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं साइड रखता हूँ। मैं फिलहाल कितने प्लेयर 4 ऑल्टरनेट ट्राई करना चाहूँगा। उसके अलावा अवेगा का तो ऐसे हम लोग काफ़ी कैमरून के मैचों से पिक है, चौवना को भी पिक कर लेते। उसके अलावा टीम दस है, लियो को अवेलेबल होगी, नीचे देखो तो कोई खास नहीं, तविलियन प्ले कहाँ से ले, ये भी अवेलेबल है बट मुना था नहीं अवेलेबल है वो यार। प्लेस तो का ज़्यादा प्लेस मैं पिक नहीं करना चाहता सच सच बताओ तो। मुन इतने ये बंदा कहाँ नाम है इसका यार, नहीं है नाम इसका तो, लोग क्यों पिक करें, मैं नहीं पिक करना चाहूँगा अभी के लिए। तो देखो 11th में किसको पिक करिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बात हो जाएगा यहाँ पे किसको ले, क्योंकि कैमरून की टीम फेवरेट है तो कैमरून का बॉलर लेने में भी फ़ायदा है। तो अगर मुझसे पूछो कैमरून का कोई अच्छा बॉलर, तो मैं तो देखो ये बॉलर 14 पिक हो सकता है ग्रैली, आप ट्राई करो उस बंदे को कैप्टनसी मिला है तो आप ग्रैली टीम में जरूर से एलेक्सिस बल्ला को ट्राई करना, ये आपको रन बना के देंगे ना कि ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। मैं एक अच्छा सा बॉलर ढूंढ लेता हूँ जो कि अच्छा खासा विनिंग करा के दे सकते हैं। दीपित को हमने दीपिता को पिक कर लिए, भी वो न्यू को पिक नहीं किया कभी तक, अच्छा बॉलिंग कर लेता है टीम वैसे, लोग ट्राई नहीं कर रहे बट ओवरऑल ठीक ही प्लेयर है, पर कोई है ही नहीं है इनका अच्छा कोई खास बॉलर जो है ऐसे खराब बॉलिंग कर रहा है भाई। तो मुझसे पूछोगे तो थोड़ा सा रिस्क वगैरह लूँगा, बैटर के ऊपर ही लूँगा। तो 11th पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर रहा है मुझे, क्योंकि मैं जिस प्लेयर को चाहता हूँ लोग ट्राई नहीं कर रहे, रिस्क वगैरह में लेना चाह रहा हूँ तो लोग रिस्क लेने दे रहे। एलेक्सिस बल्ला को जूस ट्राई करना, ये जो ट्रम्प कार्ड हो सकता है बंदा है, कितना स्नैप भेज गया, ये एलेक्सिस बल्ला को जूस ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही, ग्रैली टीम ट्राई कर लेना। अभी के लिए मैं इस बंदे के साथ ही जा रहा हूँ टीम तरफ से, बट फाइनल टीम आपको चेंज ही मिलेगा, नहीं यार एलेक्सिस बल्ला को ही ट्राई करूँगा। तो बहुत पिच बैटिंग में सपोर्ट करता है कि अच्छा पिक होगा, कैप्टनसी कर रहा है, बट फाइनल टीम आपको और कोई देखने को मिल, एलेक्सिस बल्ला अच्छा प्लेयर कोई खराब प्लेयर नहीं है, कैप्टनसी कर रहा है, ओवरऑल ठीक प्लेयर टीम तरफ से। अगर आपको रिस्क नहीं ले रहा है तो आप यहाँ पे वेरून के साथ जा सकते हो, ये भी थोड़ा रिस्क लगेगा, लेकिन एलेक्सिस बल्ला जबरदस्त बंदा है, आपको हमेशा रन ज़्यादा करके देगा ये बंदा, ठीक इतना याद रखना। हिम्मत सुना कि बॉलिंग करेगा एलेक्सिस बल्ला एज अ बैटर समझ के टीम में पिक कर लो। कैप्टन से आप चाहो तो ऐसा जा सकते हो, लेकिन ऐसा चाहूँगा तो लोग बोलने लगे बहुत बड़ा रिस्क ले रहा, बट एक्चुअल में ऐसा कॉम्बिनेशन ही सबसे बेस्ट है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बट लोगों कहने पर मैं ऐसा कर रहा हूँ। बट फाइनल टीम में आपको रिवर्स मिलेगी सीबीसी, आफ्टर टॉस अपडेट कर दूंगा, अभी के लिए सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम टीम के साथ आफ्टर टॉस चेंज ही मिलेगी आपको सीबीसी, इतना याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लो जाके कॉन्टेस्ट को बुक कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फाइनल टीम आपको टेलियम पे मिल जाएगा, सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम टीम इस पर कर जा सकते हो सेम टीम के साथ। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, बाकी इसके अलावा दूसरे मैचेस के भी कवर करने हैं, तो फाइनल टीम के लिए टेलियम से जरूर से ज्वाइन कर लेना, जरूर से ज्वाइन कर लेना, मतलब जरूर से ज्वाइन कर लेना। और हाँ सब्सक्राइब कर लेना, कंजूसी मत करना, आपसे पैसे नहीं मांगना, एक छोटा सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, उसको प्रेस जरूर से कर देना। मिलते टेलियम पे, कोई डाउट हो मुझे जरूर से कमेंट कर देना।